हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉली इन अगेन। आज मैं आपके साथ बात करूंगी दिशा पटानी के बारे में। जी हाँ, दिशा पटानी जो इन दिनों ट्रोल हो रही हैं सोशल मीडिया पे अपनी एक पिक के कारण। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पिक डाली है, अपनी बिकनी पिक, जिसको लेके वो काफ़ी ट्रोल की जा रही है इन दिनों। और वैसे भी वो अपनी पिक्स डालती रहती हैं इंस्टाग्राम पे, बिकनी पिक्स और अपने फाइट के शूट्स एंड ऑल, और इंस्टा स्टोरीज भी डालती हैं। पर इन दिनों उस पर्टिकुलर पिक के लिए वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ मुझे वो पिक कैसी लगी। मुझे उनकी वो पिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे उनकी कोई पिक्स इतनी खास नहीं लगती हैं, वाओ नहीं लगती हैं। उसका एक मेन रीज़न ये है कि वो शी इज़ ओनली स्लिम भी नहीं कहूँगी मैं, वो स्केलेटन लगती हैं बेसिकली मुझे। उनका कोई एक होता है, एक आपका परफेक्ट बॉडी होती है, वैसा नहीं है। वो सिर्फ पतली हैं और वो इतनी ज़्यादा पतली हैं कि उनके ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कुछ भी पहनती हैं वो अच्छा नहीं लगता है। इवन इन मूवीज़ ऑल्सो, भारत अगर आप पिक्चर देखेंगे उसमें भी उन्होंने सब कुछ पहना है, सिंगल सूट भी पहना है, पर वो सूट में भी नहीं अच्छी लगती। अगर मुझे किसी पिक्चर में अच्छी लगी है तो एम एस धोनी में थोड़ी बहुत, जो भी उनका छोटा सा रोल था उसमें वो मुझे अच्छी लगी है, और वो किसी फिल्म में नहीं लगी। तो उनकी जो इंस्टाग्राम पिक है, जो बिकनी पिक है, वो बहुत ही, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आप के फैंस। मेरा ये इस वीडियो से यही है कि अगर आप कुछ ऐसा डाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो आपको अपना आइडियल मानते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, लिटरली फॉलो करते हैं लोग कि अच्छा ये ऐसी है या ये ऐसा है तो मैं भी ऐसी बनूँ। तो आप कुछ ऐसा डालिए जो लोगों को इंस्पायर करे, सच में करे, ना कि कुछ ऐसा जिसमें आप खुद ही अच्छे नहीं लग रहे हो। जब आप ही उस पिक में अच्छे नहीं लग रहे हो, तो जिस तरह से आपने अपनी बॉडी को बनाया हुआ है, स्केलेटन, कुछ ना खाना या बहुत, जो भी आपकी डाइटिंग है, आई डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, बट जो भी आप अडेप्ट, जो भी हम लोग हैं, हम स्टार्स को फॉलो करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वही जो फैंस होते हैं वो अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं और उसी तरीके से चलते हैं कि ये ऐसा है तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो पहले तो आप अपने आप को कि हम क्या चीज़ डालें क्या चीज़ ना डालें, कि किस वजह से हम ट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि जब आप ट्रोल होते हो तो कई बार क्या होता है, आपके फैंस भी आपको डिफेंड नहीं कर पाते, उनको भी लगता है यार क्या हो रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बेसिकली स्लिम होना या पतला होना, फिट होना नहीं होता है। और दूसरा, वो सेक्सी नहीं होता है। अगर सेक्सी की डेफिनेशन देखें तो प्रियंका चोपड़ा, आज भी मैं दोस्ताना फिल्म देखती हूँ तो मुझे हर सीन में, चाहे उन्होंने साड़ी पहनी हो देसी गर्ल गाने में, या फिर वो वो बीच का उनका लुक हो, या कोई भी ड्रेसेस उन्होंने पहनी हो, वो है सेक्सी, उनकी फिगर थी सेक्सी। या शिल्पा शेट्टी को आप ले लीजिए, वो भी स्लिम है बट चीज़ सेक्सी। दिशा पटानी बिल्कुल स्केलेटन लगती हैं, मतलब वो मुझे कहीं से भी ऐसी नहीं लगती हैं कि भाई मैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं, या उन्होंने बिकनी पहनी है, उन्होंने कोई शॉर्ट ड्रेस पहनी है तो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड सेक्सी लग रही हैं, और ये एक नई डेफिनेशन है सेक्सी की, पतला होना। तो ये गलत एग्जाम्पल जा रहा है जो कि यूथ फॉलो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टार्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस पिक के लिए जो वो ट्रोल हो रही है, यस मुझे भी बुरा लग रहा है, किसी को ट्रोल करना गलत बात है, बट अगर आप एक पब्लिक फिगर हो और आप सोशल मीडिया पर ऐसे पिक्स डालते हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट्स मिलते हैं। आपको मेरा ये वीडियो, मेरे सजेशन और मेरे ये आउटपुट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय।